वादिया है जो मज़ा है यहाँ पे, इज ऑसम, नेक्स्ट लेवल। जब भी उधर उस तरफ गए नारे में पानी शुरू होता है, हम बात करें तो यहाँ से आए हम नदी में नीचे पूरा ऊपर एक गांव पूरा गाँव चल पर आए। हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसोल। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट शेख रत्री, और आप देख रहे हैं शेख रत्री मोटर व्लॉग्स। तो गाइज देख सकते हैं अभी हम रुके हैं लकी गेस्ट हाउस पे, और लास्ट वीडियो में आप तोश तक गए थे, तो आज इस तरफ जाएंगे और मलाना का ट्रैक दिखाएंगे आपको, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो जुड़े रहें व्लॉग पे। बाइक्स को स्टार्ट कर दिए गाइज, हालत काफ़ी ख़राब है बाइक्स की, काफ़ी गंदी हो चुकी है देख सकते हैं आप सामने, तो अभी निकालते हैं बाइक्स को और सीधा बाइक पर मिलते हैं आपको। तो निकल पड़े हैं गाइस, और मौसम काफ़ी अच्छा है आज, तो अभी मलाना के लिए निकल रहे हैं गाइस, तो आप जुड़े रहे वीडियो पे। तो हम कसोल से थोड़ा ही पीछे रुके थे और ये हम कसोल पहुंच चुके हैं, ये स्टार्ट हो गया कसोल, ये देख सकते हैं आप, ये कसोल की मार्केट। थोड़ा बहुत सामान जो हमको डालना था, शेड्स वगैरह, पावर बैंक वगैरह, वो हमने सब डाल लिया एक बैग में, मुकुल ने उठाया अभी बैग। और क्या वादिया है, जो मज़ा है यहाँ पे इज ऑसम, नेक्स्ट लेवल। बट रश बहुत हो चुका है अब यहाँ पे, तो उस वजह से थोड़ा वाइब किल हो जाती है कई बार, बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। ये वाइब भी गाइस नेक्स्ट लेवल है, साइड में जो रिवर चलती रहती है, काफ़ी मज़ेदार है यार। और अभी देख सकते हैं आप मुकुल, अमित और फिर मैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है इस साइड पे। और यहाँ से गाइस मलाना के लिए राइट टर्न, सामने लगा है बोर्ड, चलते हैं फिर, बाकी चलते हैं साथ में और ट्रैक भी देखते हैं कैसा रहेगा, सब कुछ अपडेट करता रहूँगा। बस आप लास्ट तक जुड़े रहें वीडियो में, स्किप बिल्कुल ना करें। ये देखिएगा इस ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, क्या फीलिंग है भाई, परे तक पानी, यहाँ तक पानी, यहाँ जब से मैं आया हूँ 2-3 दिन से ये नदी की आवाज़ मेरे कानों में बैठ चुकी है, काफ़ी ज़ोर से आती है इस पानी की आवाज़। मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जब से गाइस टूर पे आऊँ तब से मेरी बाइक अभी चली है 325 किलोमीटर, और उसमें से 2 18 19 17 तो हमने उसी दिन कवर कर लिए थे जब हम आए थे सीधा। गाइस इंस्टा 360 किया, बच गया भाई, गिर गया यार उसके ऊपर से, कैसे गिरा हुआ भाई, भाई फक मैन, मैं सोच भी रहा था यार ऐसा कुछ ना हो। चलो अंदर वाले लेंस तो सेफ है। माउंट ही टूट गया यार ये वाला, और 360 गिर गया, देखा होगा आपने यार, फक मैं सीन ही हो गया।
उसके स्टिकी लाइन्स जो है उसमें लगाए हुए वो खोलने पड़ेंगे, अभी टूट गए हूँ और एक थोड़ा सा साइड में स्क्रैच आ गया। चलो ठीक है, बाकी सेफ है, इतना तेज नहीं था मैं गड्ढे में, जैसे बाइक गई तो आगे से इंपैक्ट पड़ के टूट गया वो। तो है इस बैराज के बाद अब आ गया है गंदा रोड, देख सकते हैं आप काफ़ी गंदी हालत है इस रोड की, काफ़ी टूटा फूटा हुआ। अब थोड़ा ठीक आया रोड फिर से, एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड। मौलाना चरण दो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिएगा इस नैरो रोड काफी ज्यादा, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते ही रहते हैं। देखिए आप नीचे कितने बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, यहाँ देख के ही डर लगता है इनको, मैक्सिमम ऊपर से ही आया हुआ है। सांप बन गया था इस बाइक का, यहाँ पर कभी भी पत्थर गिर सकता है, बिल्कुल ध्यान से चलना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पे, बहुत रेतीली सी मिट्टी जिसमें स्किड खा जाती है बाइक, बिल्कुल आराम से निकालनी रहती है। बड़ा भयंकर रोड है गाइस, देख सकते हैं आप ऊपर काफ़ी ख़तरनाक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक होता रहता है। अच्छा भाई रेत में गए, सांप बन रहा है बाइक का पीछे से पूरा, और आगे देखिए अब टनल जैसी है कुछ, ये टनल ही है, फिर से अंधेरी टनल आ चुकी है भूतियापुरी। चश्मा ऊपर कर लेता हूँ, चश्मा नीचे की आवाज़ था तो दिख नहीं रहा था ज़्यादा, बयान की टनल है, छोटी सी थी और निकल चुके हैं दूसरी तरफ। ये देखिए भाई भाई मस्त है, छोटा सा पुल और फिर एक थोड़ा सा बड़ा पुल, क्या व्यू है भाई, देख सकते हैं आप चेक कीजिए, और डीप डीप से कर्व है तो बिल्कुल आराम से चलना रहेगा, फालतू पुश करके कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, ये लंबी लंबी पहाड़ियाँ हैं नीचे तक, तो बिल्कुल सेफ चलें। और वो देखिए भाई वाटरफॉल क्या मस्त दिख रहा है, वाओ ऑसम, बिल्कुल पहाड़ के बीच से पानी आता हुआ,
बीचों बीच। कमेंट कीजिएगा गाइस आपको सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा वीडियो का, अभी तक जो चल रहे हैं। और कमेंट जरूर कीजिएगा, काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है गाइस। लगा लिखा था 1.5 किलोमीटर, फिर वहाँ से पैदल रास्ता हुआ। तो गाइस देख सकते हैं निकल चुके हैं मराना विलेज के लिए, और थोड़ा सा आ चुके हैं नीचे, ट्रैक शुरू हो चुका है। यहीं ऊपर गाँव है, वहाँ से शुरू किया, और ये सामने आप देख रहे हैं ट्रैक जाता हुआ, और ये ऊपर मलाना गांव। तो चलते हैं धीरे धीरे बढ़िया, और दिखाते हैं आपको व्यू। गाइस थोड़ी देर चलने के बाद आपको ये मिल जाएगा ब्रिज, देख सकते हैं जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ। और यहाँ पे एक कैफ़े भी है, रिवर साइड रिवर कैफ़े। और ये देखिए ऊपर से पानी आ रहा है वैली, और ये रिवर सीधा जा रही है नीचे, और बॉयज़ आगे जा चुके हैं। चलते हैं हम भी पार करते हैं ब्रिज को, छोटा सा ब्रिज है। और ये देख सकते हैं आप वापस, चेतावनी लिखी है यहाँ सूचना बोर्ड, जब भी उठर बचता तो गाइस नाले में पानी छोड़ जाता। तो अब चढ़ाई शुरू हो चुकी है, और धीरे धीरे चलते हैं। ये देखिए गाइस वहाँ से आए हम, इससे पीछे भी काफ़ी ट्रैक था, काफ़ी चढ़ाई थी, उसके बाद ये ट्रैक और ये नीचे रास्ता है। तो देख सकते हैं आप कहाँ से ये रास्ता ऊपर आया, पहाड़ियाँ देखिए, और ये सामने मलाना विलेज है। तो एट लास्ट पहुँच गए, काफ़ी थक गया हूँ मैं, काफ़ी स्वेटिंग भी होगी। अभी देखिए व्यू देखते हैं बाकी जाके अभी क्या सीन रहते हैं। काफ़ी सुना है मलाना गांव के बारे में, पहली बार पहुँचे यहाँ पे, देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा गांव को, काफ़ी ट्रेडिशन सुने मैंने यहाँ पे। भाई देखिए छोटा सा घर, और बड़े शांति से पानी चला हुआ है, ऊपर से भी पानी आ रहा है यहाँ पीने के लिए। देख सकते हैं आप काफ़ी ऊंचाइयों में पहुँच चुके हैं अभी। गाइस फ्रिज जैसा पानी था, ये अभी पिया था हमने, फ्रिज से भी ठंडा बोलूँगा मैं, बिल्कुल चिल्ड पानी है। और अब चल रहे हैं, बिल्कुल पहुँच ही चुके हैं, बस अब चलते हैं विलेज की तरफ। तो ये देखिए गाइस मलाना गांव की शुरुआत। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद पहुंच चुके हैं गांव के अंदर। देखिए गाइस तो गाइस काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, मंदिर में पहुंच चुके हैं यहाँ। काफ़ी देर के बाद पहुंचे हैं, काफ़ी सुनसान सा लग रहा है यहाँ पे। तो गाइस पहुंच चुके हैं टॉप पे मलाना के, और बस यहीं रह गया जाने को, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पे, और उसके बाद बैठते हैं थोड़ी देर स्टार लाइट कैफ़े पे। ये देखिए गाइस आप पूरा मलाना विलेज बिल्कुल टॉप पे हैं अभी, यहाँ से देख सकते हैं आप पूरा विलेज कैप्चर हो रहा है। और सामने देखिए बर्फीले पहाड़ अगर आप देख पा रहे हो बिल्कुल सामने। अगर हम बात करें तो यहाँ से आए हम पहले नदी में नीचे, और फिर पूरा ऊपर, और फिर गांव, और पूरा गांव से ऊपर आए। काफ़ी अच्छा ट्रैक हो गया, एक काफ़ी टाइम से पैदल चला भी नहीं था मैं, तो पैदल भी चलिए काफ़ी मज़ा आया। तो गाइस देख सकते हैं मैच चला है मलाना का, तो वापस निकल रहे हैं मलाना से, और काफ़ी अच्छा रहा, टॉप तक गए थे घूमने। और ये देखिए अगली बॉल, अभी लास्ट बॉल पे भाई ने छक्का लगाया, अब भाई भी रिवेंज लेंगे, बॉलर भाई, अब देखते हैं। ये अच्छी बॉल और कैच छूट गया, और चलते हैं गाइस अब मलाना से। होप सो आपको
मिलाना का ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो गाइस इसी के साथ व्लॉग को एंड करता हूँ। सपोर्ट बनाए रखें अपने इस प्यारे चैनल पे। पानी की कमी है थोड़ी सी गाइस, बिल्कुल थोड़ा आपको पानी साथ रखना चाहिए, गला सूखता है काफ़ी। जी हाँ, गला काफ़ी सूखता है, तो पानी जो लेके आए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। चलो ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग योर लविंग चैनल शिखर तिमर व्लॉग।